एक बार देखो, थोड़ा सा क्विक रीजन ले लेते हैं. डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, रूल्स ऑनर होना चाहिए, सेकंड बिजनेस की यूज में आनी चाहिए, और थर्ड परचेज और यूज जो बाद में होगा वहां से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगी. ठीक है, ओके. इन सबके बाद में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर एम्प्लॉयज, अगर खुद के रहने के उस पर लगेगा नहीं, एम्प्लॉयज के रहने की, क्योंकि उसका यूज क्या हुआ, बिजनेस यूज. ठीक है, तो उस पर रेट कितनी है, 5%. कॉमर्शियल बिल्डिंग पर रेट कितनी है, 10. फर्नीचर फिक्सचर पे 10. प्लांट एंड मशीनरी कार पर अभी तैयार को 15. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25, टैक्सीज पे 30, कंप्यूटर पे 40, बुक्स पे 40, मशीन या जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इन सब के, उन सब पे भी 40. ठीक है, अब कार के अंदर सीन था कि कार में एक बीच में पॉइंट डाल दिया कि अगर आपने कार वगैरह परचेज की है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, तो जो रेट है वो हो जाएगी 30%, 15 से बढ़ के डबल सीधी. ठीक है, फिर हमने एक रूल बनाया था सिंपल सा, अगर एसेट को 4 अक्टूबर के पहले परचेज करते हो तो फुल डेप्रिसिएशन, और बाद में परचेज करते हो तो हाफ डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर. फिर तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगती रहेगी, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर क्या हो जाएगी, हाफ. फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, करे थे, परचेज और यूज जो भी हो बाद में होगा वहां से लगना स्टार्ट होती है, और फर्स्ट यूज 4 अक्टूबर के बाद किया है तो उस ईयर में हाफ हो जाएगी, बाद में तो फुली लगने वाली है. ठीक है, इन सब के बाद में एक पॉइंट देखा था, एडिशनल डेप्रिसिएशन. अगर आप कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, देखो मैंने आपको कुछ चीजें केवल बीकॉम के हिसाब से लिखवाई है, अगर ये अगर सीएमए के नोट्स हो या कोई प्रोफेशनल नोट्स हो तो उनके अंदर भी बहुत सारे रूल्स हैं. अब जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी कौन सी होनी चाहिए, कौन से कंसर्न में काम आती होनी चाहिए, तो आप लोग उतना डिटेल में जाके नहीं बताऊँ क्योंकि ओवर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि माइंड सेट हमारा क्या होता है बीकॉम के हिसाब से, मतलब आप लोगों का जो माइंड सेट है वो किसके हिसाब से, प्रॉपर बीकॉम के हिसाब से ही है, तो आपके दिमाग में बीकॉम का टारगेट रहता है. वही अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कोई कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म होता कि हाँ मैं और डीप में जाना है, डीप में जाना है, जो हमारे माइंड सेट होता है वो बता रहा हूँ मैं. इसलिए मैं उतने ही रूल लिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल्स अटेंड हो जाएंगे, इवन तो सीएमए के भी अटेंड हो जाएंगे एक बार, तो मतलब अगर आप कोई प्रोफेशनल सीए सीएमए इनके भी एग्जाम देते हो वो भी अटेंड हो जाएंगे. होता ना उसमें और थोड़ी बारीक डिटेल चाहिए होती है, थोड़ी सी और अंदर जाना होता है ऐसा. तो देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगी, केवल किसके ऊपर, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे. रेट कितनी है, 20%, लेकिन अगर 4 अक्टूबर के बाद खरीदते हो तो हाफ तो उस ईयर में लगेगी और हाफ अगले साल लगेगी. इसके क्वेश्चन भी किया था अपन ने, एक क्वेश्चन किया था जिसमें बताया था 18-19 में आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो आधी एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 18-19 में और आधी 19-20 में. ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल में रेट कितनी है, 35%. इसको आप याद रख सकते हो, अड़ोस पड़ोस, अड़ोस ए से आंध्र प्रदेश और उसके पास में क्या है, तेलंगाना, पड़ोस ई से पश्चिम बंगाल, उसके पास में क्या है, बिहार. तो अड़ोस पड़ोस ए आंध्र प्रदेश, उसके पास में तेलंगाना, पड़ोस ई पश्चिम बंगाल, उसके पास में बिहार. इस तरह से मेथड क्या थी, तो WDV, उसमें ऐड करते हैं परचेज, लेस करते हैं सेल. पॉजिटिव आंसर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव है और आपने सारी एसेट, सॉरी उल्टा बोलिए, नेगेटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पॉजिटिव है तो अगर सारी एसेट्स बेच देते हो तब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और अगर सारी एसेट्स नहीं बेची है तो बैलेंस ऑफ एसेट्स. जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कौन सी, ये जो रेट लिखे थे ना आपको, ये सारी नॉर्मल है. तो ये जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप लोग लगाते हो, ठीक है, तो वो तो लगेगी बैलेंस ऑफ एसेट के ऊपर, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो लगती है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज पे.
ओके तो ये अब तक का पॉइंट था। उसमें मैंने आपको एक बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, वो ये है कि क्या बोलते इसको, जिस साल से परचेज करते हो उसी साल से कैलकुलेशन स्टार्ट करो। मैंने इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया शायद, जिस ईयर में आपने फर्स्ट परचेज की है एग्जैक्टली आप उसी साल से कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ठीक है, डेट क्या है? 9। चलिए ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यूमेरिकल का, गिवन क्या आपको देखो राजस्थान ट्रेडर्स ओन्स द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, मशीन एक आपको क्या दे रखी है, WDV ऑन 1 अप्रैल 2019, उन पे डेप्रिसिएशन। देखो हमेशा ध्यान रखो, जिन एसेट्स का नेचर और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, जिन एसेट्स का नेचर और डेप्रिसिएशन की रेट सेम है, उनको सेम ब्लॉक में डालो। क्या वर्ड बोला मैंने? इनकम टैक्स में क्या होता है, कैलकुलेशन इंडिविजुअल कभी नहीं होती है, कैलकुलेशन चलती है ब्लॉक वाइज। कैलकुलेशन कैसे चलती है? ब्लॉक वाइज। तो नेचर और डेप्रिसिएशन रेट अगर सेम हो तो उनको क्या रखना है, सेम ब्लॉक के अंदर। और बेसिकली कार और मशीन हमेशा सेम ब्लॉक में आते हैं। तो अभी इनको कवर अप करते हैं। तो देखिए अभी आपका रेट 15% है, ये हो गया आपका एक ब्लॉक, आपको WDV दे रखी है, तो एक रेट 15% है, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्लॉक। बी और सी दोनों मशीन है, दोनों पर रेट क्या है? देखो है भी दोनों मशीन और रेट भी क्या है, तो ये आपका सेकंड ब्लॉक हो गया। फिर 10% फर्नीचर, ये आपके लिए क्या हो गया, थर्ड ब्लॉक। टोटल क्वेश्चन तीन ब्लॉक दे रखे आपको, ठीक है। फिर द SSC acquired का मतलब क्या हो गया, purchased the following assets during the previous year 1920। मशीन डी कितने की कॉस्ट क्या है, 3 लाख। कब परचेज की है, जुलाई 2019, 4 अक्टूबर से पहले। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, मतलब किस ब्लॉक से बिलोंग करती है, सेकंड वाले ब्लॉक से। ठीक है, आई बात समझ में सबको? तो देखो इसके बाद में वही परचेज ही दे रखी है आप लोगों को, परचेज ही दे रखी है, फर्नीचर की परचेज दे रखी है। फर्नीचर बी परचेज किया कितने में, 15,000 में। कब? 20/9/2019, वही 4 अक्टूबर से पहले। 10% वाला मतलब किस ब्लॉक में चले गए, थर्ड में। फिर द SSC सोल्ड, जब सेल करते हैं तो डेट का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो मशीन ए कितने में सेल की, 3 लाख में। मशीन बी कितने में सेल की, 4 लाख में। और फर्नीचर ए को कितने में सेल किया, और कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये आपको डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी है। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले ब्लॉक वन, ब्लॉक वन तो ब्लॉक वन में देखो, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट कितनी है? 15%। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आती है कैलकुलेशन करते टाइम, सबसे पहले क्या लेते हैं, वो फॉर्मेट क्या है? WDV ऑन 1st April 2019। इसके अंदर केवल मशीन एक है, मशीन ए, ठीक है, 15% वाले में केवल एक ही मशीन है, मशीन ए, जिसकी WDV कितनी दे रखी है? 4,00,000। एड परचेज, इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी परचेज नहीं किया है, आपने केवल दो एसेट खरीदी है, एक 30% वाले और एक फर्नीचर 10% वाले, 15% वाले कोई भी एसेट। फिर मशीन ए थी इसके अंदर और उसको आपने सेल जरूर कर दी, सेल डेट का मतलब ही नहीं होता है, सेल कितने में करी है? 3,00,000 रुपए में। मशीन एक को आपने बेच दिया 3,00,000 में, 1,00,000 पॉजिटिव आंसर है, देखो पॉजिटिव आंसर आता है, बट अगर आपने सारी एसेट्स बेच दी है, अगर पॉजिटिव आंसर है और आपने क्या करा है, सारी एसेट्स को बेच दिया है, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल, आई बात समझ में? देखो इस ब्लॉक में केवल एक एसेट थी, उस एसेट को आपने बेच दिया, तो अल्टीमेटली सारी एसेट बेच दी अपन ने। अगर हम किसी ब्लॉक की सारी एसेट्स को बेच देते हैं, अगर हम किसी ब्लॉक की सारी ही एसेट्स को बेच देते हैं, तो इन दैट केस वहां पे क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलो आई रिपीट, देखो तीन आंसर आते हैं आपके, सुनना ऑफिस से। अगर नेगेटिव है माइनस में आंसर आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पॉजिटिव है बट अगर आप सारी एसेट्स बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, पॉजिटिव और सारी एसेट्स नहीं बेची है तो बैलेंस ऑफ एसेट, ठीक है। तो देखो ब्लॉक वन, आपके पास एक ही एसेट थी, आपने उसको बेच दिया, कुल मिलाकर सारी एसेट्स बेच दी, सारी एसेट्स अगर बेच देते हैं तो प्लस में आंसर आने पर उसको क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। थोड़ा सा इस पे छोड़ना, एक पॉइंट मुझे समझाना उसके लिए, बी पॉइंट, रेट है WDV 2 है इसके अंदर, मशीन बी और सी, मशीन बी और सी, देखो 30% दो बार दो मशीन आ रही है, मशीन बी और सी, ठीक है। तो देखो मशीन बी और सी दोनों टोटल WDV कितनी है? 4,00,000। एड परचेज, परचेज कब की है? परचेज की मैटर करती है डेट 17/7/2019 को, 17 जुलाई को, कितने रुपए की? 3,00,000 की, है ना, परचेज 17 जुलाई 2019 को मशीन डी परचेज की है, कितने की? 3,00,000 की। तो ये अब क्या गया टोटल, उसमें से अब बी सी और डी तीन मशीनें पड़ी ना इसके पास, तो इस ब्लॉक की उसमें से कुछ बेची है क्या इसने? तो देखो मशीन बी को बेच दिया इसने, मशीन बी कितने में बेची है? 4,00,000 में, डेट का कोई लेन देन नहीं है। सेल कर दी बी को 4,00,000 में, तो बचे कितने हैं? 3,00,000। तो देखो
इसके पास क्या क्या थी, मशीन बी सी और डी थी, केवल बी बेची है, सी और डी अभी पड़ी है, तो सारी एसेट्स नहीं बेची है, तो पॉजिटिव आंसर को क्या बोलेंगे? तो देखो अगर सारी एसेट्स बेच देता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सारी एसेट्स नहीं बेची है तो बैलेंस ऑफ एसेट्स, तो इस पे क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो सुनिए, नहीं सुनिए एक सेकंड, कैसे एसेट्स कैसे बैलेंस कैसे लेते हैं, पहले देखेंगे 3 लाख कहाँ से बचा, कहाँ से है ये 3 लाख, सबसे पहले देखेंगे बचा कहाँ से। देखो हमेशा उल्टा चेक करते हैं, 3 लाख का बैलेंस है तो पहले किस में से लेंगे, न्यू में से, परचेज में से। जैसे अब देखो अगर यहाँ बैलेंस मैं बोलता हूँ 5 लाख का होता तो क्या करते हैं, 3 तो परचेज में से और 2 WDV में से, पर एक्चुअल में बैलेंस है कितना हमारे पास में, 3 लाख का बैलेंस है, किस में से आया होगा सारा, तो पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 3 फ्रॉम परचेज, परचेज कब की, 17 जुलाई, 4 अक्टूबर से पहले, तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगी, 3 लाख, 3 लाख का 30% और अगर आप न्यू मशीन परचेज करते हो मशीन, तो क्या लगेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसके ऊपर, ये भी परचेज के ऊपर ही लगेगी, और एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स है 20%। तो 3 लाख थी, सॉरी 60,000 आएगा, सॉरी 3 लाख थी, 90 और 60, 1,50,000 गया, और ये आ गई आप लोगों के WDV ऑन 1st April 2020। ओके, फिर ब्लॉक नंबर 3rd, फर्नीचर रेट कितनी है, 10%। तो देखो सबसे पहले WDV, तो फर्नीचर ए है, WDV कितनी देर की है, फिर एड परचेज, एक फर्नीचर परचेज भी किया है 20/9 को 15,000 का, बी परचेज किया कितने का, तो टोटल आ गई आपके पास में लेस सेल, फर्नीचर ए को बेच दिया तो आई माइनस के 5,000 आ रहे हैं, माइनस के 5,000 आते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलिए एक बात तो ये हो गई, फिर अब एक पॉइंट और था इसके अंदर जिसका पॉइंट जो समझाना था, ट्रांसफर एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो करना कुछ नहीं है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर गेन हो रहा ना गेन, तो उसमें से लेस कर देंगे भाई, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है यहाँ पे, और फर्नीचर की ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और उसी तरह से ब्लॉक 1 क्या बोलते इसको, अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो एक्सपेंसेस इसमें क्या होंगे, एड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, देखो ट्रांसफर एक्सपेंस अगर आपको गेन हो रहा है, 5,000 का गेन हुआ और 500 आपके खर्चे लग गए, तो गेन कितना हो, 4,500 का, उल्टा देखते हैं 5,000 लॉस तो होगी आपको, 500 खर्चे लग गए, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 5,500। तो 1,00,000 प्लस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है, मशीन एक है, आई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें ना नेक्स्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एडमिसिबल टू एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, आप लोगों को क्या दे रही है, सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग, इस पर रेट बताना, रेट क्या है फैक्ट्री बिल्डिंग पे? कॉमर्शियल है 10%, फिर प्लांट एंड मशीनरी 15%, फिर उसमें एडिशन है, मतलब एडिशन मतलब क्या हो गया, परचेज और सेल दे रखी है, फिर कंप्यूटर 40%, फिर फर्नीचर एंड फिक्स्चर और मोटर कार। मोटर कार का ध्यान रखना हमेशा, मोटर कार जो होती है ना वो प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होती है हमेशा, क्योंकि दोनों पे रेट कितनी है और दोनों मशीन वगैरह काम में आती है, तो कार और मशीन हमेशा क्या होती है सेम ब्लॉक में जाती है। तो क्या आपको WDV दे रखी है 60,000 और तो कुछ दे नहीं रखा है, इन सब के बाद एक नई चीज दे रखी है आप लोगों को, जैसे अब यहां देखता हूं विजिट 10, 15, 40, 10, 15 और कार किसमें ऐड होगी, प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, नीचे नई चीज क्या दी देखो, और ये चीज आपने पहले कर रखी है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019, मतलब 31st March 2019 का मतलब कौन सा ईयर हो गया, 18-19। तो 18-19 में आपने एक नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी 31 अक्टूबर 2018 को, 4 अक्टूबर के बाद कितने रुपए की। तो हुआ क्या होगा, अगर आप कोई नई मशीन खरीदते हो 4 अक्टूबर के बाद, तो पंगा रहता हमेशा एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे लगती है, हाफ तो सेम ईयर में हाफ। तो ये जो आपने मशीन खरीदी थी, ये बोल रहा है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड्स नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयर ऑन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो हमने क्लेम किया कैसे होगा, 10% तो उसी साल और बचा हुआ 10% अगले साल। आई बात समझ में, ये पॉइंट आपके लिए आईएमपी है, ये पॉइंट आईएमपी है। ठीक है, इसका मैं यहां लिख देता हूं, बताए न्यू मशीन 18-19 में 4 अक्टूबर के बाद परचेज की है, सो हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो 18-19 में लग गया होगा एंड 20 में लगाएंगे। कैसे, वापिस सुन लीजिए एक बार, एक क्वेश्चन मैंने ना परसों कराया था,
ये रहा, मशीन परचेज की थी 1 दिसंबर 2018 को, तो हमने कैलकुलेशन कब से स्टार्ट किया, 18-19 से, 18-19 में एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, हाफ, 18-19 के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, देखो आपने कब परचेज की है, 18-19 में, कब, 1 दिसंबर, 4 अप्रैल के बाद, तो आपने क्या करा था, 18-19 में आधी एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाई और बची भी आधी एडिशनल डेप्रिसिएशन कब लगाई, और अभी मैंने अगर आपको नोट्स में पढ़ाया तो भी समझाया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तो आधी तो उसी साल लगेगी, आधी कब लगेगी, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इन सच केस जो मशीन है, जो मशीन है 4 अक्टूबर के बाद परचेज की थी, देखो 18-19 में कब परचेज की थी, 31 अक्टूबर 2018 को, 4 अक्टूबर के बाद, तो आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन कब लग गया होगा, 18-19 में, और बच्चा वादा कब लग जाएगा, 19-20 में, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलिए आगे। तो अब तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन करते जाओ ब्लॉक वाइज। सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या सीन है भाई, नॉर्मल कुछ परचेज सेल कुछ दे रखी है क्या, फैक्ट्री बिल्डिंग क्या WDV दे रखी है, कुछ भी परचेज सेल दे रखी है क्या, नहीं। चलो तो रेट कितनी है, 10%, आपको केवल और केवल WDV दे रखी है ऑन 1st April 2019 को, ना परचेज है ना सेल है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे, सीधे सीधे क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन 5 लाख, 5 लाख का 10%, सिंपल। चलिए आगे, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें कार को ध्यान रखेंगे, रेट कितनी है, चलिए तो सबसे पहले WDV ऑन 1st April 2019, प्लांट एंड मशीनरी कितनी देर की थी, देखो प्लांट एंड मशीन 12 लाख और कार की 60,000, परचेज, परचेज कब कब की, देखो परचेज की 2 मशीन, 1 30-6 को और 1 31-12 को, एक तो 30 जून 2019 1 लाख और 31 दिसंबर 2019 1 लाख, टोटल कितने हो गई। अब सेल, पुरानी कुछ मशीन अपन ने बेच दी थी 1 दिसंबर को कितने में, तो बच्चे कितने, 8,60,000 बैलेंस ऑफ एसेट। अब बैलेंस ऑफ एसेट कैसे लेते हैं, पहले नए में से बैलेंस ऑफ एसेट चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, उल्टा चेक करेंगे, पहले फ्रॉम 31 दिसंबर कितना ले सकते हैं, 1 लाख, फिर दूसरी का परचेज की थी 30 जून को, कितना ले सकते हैं, और बाकी किस में से लेंगे, WDV में से कितने, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पहले नॉर्मल उल्टे चेक करेंगे, परचेज ऑन 31 दिसंबर कितने की, 1 लाख,
मशीन पर रेट है 15%, 4 अक्टूबर के बाद खरीदी है। फिर परचेज्ड ऑन 30 जून, 7 अक्टूबर से पहले पूरे 15%। फिर डब्ल्यू में से कितना है, 6,99,000। फिर अगर कोई नई मशीन खरीदते हो तो उस पर क्या लगेगा, भी लगाना पड़ेगा। तो परचेज ऑन 31 दिसंबर 19, 1,00,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% होता है, रेट हाफ कर देंगे 10,000। फिर परचेज ऑन 19, 1,00,000 तो देखो इसमें क्या होगा, देखो इसका बताना मेरे को ना, आधा 10% हिस्सा लगा और बचा आधा कब लगेगा, अगले साल। उसी तरह से इस भाई ने एक नीचे एसेट दे रखी आप लोगों को, आप लोगों ने पिछले साल 31 अक्टूबर 18 को एक मशीन खरीदी थी कितने रुपए की, तो आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी साल लग गया होगा, बच्चा आधा हिस्सा लगाना पड़ेगा ना। कितने की थी, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन है 4 अक्टूबर के बाद, 1,00,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, देखो 7,500, 15,000, 99 प्लस 1,30,000, 2,00,000। ये मशीनरी डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद में बात करते हैं अगली एसेट, अगली एसेट क्या दे रखी है, कंप्यूटर, WDV कुछ भी दे रखी है, बस परचेज दे रखी है 1/1/2020 को। कंप्यूटर रेट क्या है, 40%। तो देखो WDV ऑन 1st April 19 परचेज्ड ऑन 1st January 20 60,000 शायद है ना। तो टोटल कितनी आ गई, 60,000 लेस क्या करेंगे, सेल कुछ है ही नहीं, दैट डेप्रिसिएशन लगा दे मैं, 60,500 किसमें से, परचेज में से। परचेज कब की थी, 1 जनवरी 20 को, 4 अक्टूबर से पहले या बाद में, बाद में। तो 60,000, 40%, रेट हाफ, लास्ट एंड फाइनल दे रखा है फर्नीचर। रेट कितनी है फर्नीचर पे, इसमें केवल WDV दे रखी है आपको, WDV ऑन 1st April 2019, 1,00,000 ना परचेज है ना सेल है, तो ये बैलेंस ऑफ एसेट हो गया, तो इसी पे डेप्रिसिएशन लगा दो, 1,00,000 का 10%, ऑल सेट। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, देखो सबसे पहले आया था बिल्डिंग के ऊपर 50,000 का, ये 251,500, फिर 12,000, 50,000, 251,500, 3,00,000, ऑल सेट। चलिए।
ठीक है, बस कॉपी से एक बार देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करना आप लोग, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।